जी दोस्तों, तो बस से मैं उतर गया हूँ और अब आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी देर में मैं पहुँचने वाला हूँ जो पाकिस्तान का यूनाइटेड नेशंस का मिशन है। वहाँ पे मिशन ऑफिस में कुछ लोगों से मुलाकात है और वहाँ पर उनसे मिशन की वर्किंग के हवाले से भी गुफ्तगू करने का इरादा रखता हूँ। ये सड़क जो है जिस पे जहाँ पे पाकिस्तान का यूनाइटेड नेशंस का अक़वामे मुत्तहिदा का मिशन है, ये जहाँ ख़त्म होती है उससे आगे न्यूयॉर्क का सेंट्रल पार्क जो है वो शुरू होता है। और एक मरतबा मैं आपको न्यूयॉर्क का सेंट्रल पार्क दिखा चुका हूँ, लेकिन अब अगर वक्त मिला तो मैं आपको दिखाऊँगा। ये पाकिस्तान की काउंसलेट है और ये जो है परमानेंट मिशन ऑफ पाकिस्तान टू द यूनाइटेड नेशंस। दोस्तों, अक़वामे मुत्तहिदा का जो मुस्तकिल मिशन है पाकिस्तान का, उसके दफ्तर से, न्यूयॉर्क के इस दफ्तर से आपको एक बार फिर खुशामदीद। ये जो इमारत है ये पिछली सदी की एक इमारत है और ये जो है आगा खान की जो है पर्सनल रिहाइशगाह न्यूयॉर्क में हुआ करती थी, लेकिन बाद में आगा खान ने ये इमारत जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जो है डोनेट कर दी। अब इस इमारत के दो हिस्से हैं, एक हिस्से में तो पाकिस्तान का जो कौंसलेट है न्यूयॉर्क का उसका दफ्तर है और यहाँ पे जहाँ पे इस वक्त मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ पे ये दफ्तर जो है ये अक़वामे मुत्तहिदा का जो मुस्तकिल मिशन है पाकिस्तान का उसका ये दफ्तर है। जी दोस्तों, तो ये हमारी बहन हैं मरियम शेख और मरियम जो है अपना तारुफ खुद भी कराएंगी। कल ही मेरी इनसे मुलाकात हुई थी पहली मरतबा। शी इज़ अ वेरी हम्बल एंड नाइस एंड काइंड लेडी। इनका ताल्लुक जो है सिंध का शहर है सखर, वहाँ से इनका ताल्लुक है और ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन की बेसिकली मुलाजमा हैं, लेकिन आजकल ये जो पाकिस्तान का मुस्तकिल मिशन है अक़वामे मुत्तहिदा के हवाले से उसमें ये प्रेस को और मीडिया को ये डील करती हैं, इंचार्ज हैं इस सेक्शन की। तो इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि जो हमारा मिशन है यूनाइटेड नेशंस के हवाले से वो किस तरह काम करता है, कितने मुलाजमीन हैं, कितने शोबाजात हैं यहाँ पर, और ये भी इनसे पता करते हैं कि जब ये कोई केस प्रिपेयर करते हैं जब यूनाइटेड नेशंस में प्रेजेंट करने के लिए, तो उसका क्या प्रोसीजर होता है, क्या तरीक़ेकार होता है। अक़वामे मुत्तहिदा के तीन ऑर्गन्स हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जहां हम अपने पाकिस्तान के इशूज़ की आलमी तनाजुर में नुमाइंदगी करते हैं। पहली तो जनरल असेंबली है, दूसरी सिक्योरिटी काउंसिल है और तीसरा इकोसॉक है जिसको कहते हैं अक़वामे मुत्तहिदा में इक्तसादी और समाजी काउंसिल। ठीक है, अब जो हमारा मिशन का जो स्टाफ है वो उसी तरह से उनकी डिजिग्नेशंस और उनका उसी तरह से काम भी इस तरह से हमने बांटा हुआ है। जिन काउंसलर्स जो काउंसलर्स हैं इनको हमने एक्सपर्ट्स इनको कहा जाता है और ये हर कमेटी अक़वामे मुत्तहिदा में जनरल असेंबली की 6 कमेटियां हैं और 6 कमेटियां मुख्तलिफ शोबों में अपने काम अंजाम देती हैं। फर्स्ट कमेटी, सेकेंड कमेटी, थर्ड कमेटी, फोर्थ कमेटी, फिफ्थ कमेटी और सिक्स्थ कमेटी। फर्स्ट कमेटी जो है वो न्यूक्लियर और टेक्नोलॉजी और इनके बारे में काम करती है। सेकंड कमेटी डेवलपमेंट इश्यूज़ पे करती है। थर्ड इशू ह्यूमन राइट्स के इशू, वेमेन के इश्यूज़, इन सब पर करती है। फोर्थ कमेटी पाकिस्तान की और दूसरे ममालिक में जो पीस कीपिंग फोर्सेस हैं, जो हमारे अमन फौज के दस्ते हैं, उनके मामला को देखती है। फिफ्थ कमेटी बजट को देखती है और सिक्स्थ कमेटी जो है वो दूसरे उमूर, एडमिनिस्ट्रेटिव उमूर को देखती है। इसके अलावा काउंटर टेररिज़म के मामला भी देखे जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मुस्तकिल मिशन में हमारे एक्सपर्ट मुस्तकिल चीज़ों पर महारत रखते हैं और फिर उन्हीं को उसी तरह से डील करते हैं। इसमें रिसेंटली अभी हमने पाकिस्तान ने डिसइंफॉर्मेशन पर एक करारदाद मंजूर करवाई, हमने सेल्फ डिटर्मिनेशन यानी हक़ खुद इरादियत पर एक हमारी करारदाद है, ये पाकिस्तान की तरफ से की गई है। इसी तरह से पाकिस्तान की तरफ से हमने दूसरी करारदाद OIC के फोरम से, G77 के फोरम से और मुख्तलिफ मौजूदात पर हम करारदादें पेश करते रहते हैं। जो इस वक्त रिसेंटली एक और हमारी पाकिस्तान की करारदाद थी वो इस्लामोफोबिया के दिन को मनाने पर हमने की थी। तो ये सारी करारदादें हम इनिशिएट करते हैं पाकिस्तान की तरफ से और दूसरे ममालिक से उनको सपोर्ट करते हैं। राइट। अच्छा, ये बताइएगा कि यहाँ आपका जो स्टाफ है वो करीब 50 के करीब लोग आपके यहाँ काम करते हैं, तो कितने शोबाजात हैं जो इस मिशन में
مختلف کام کو سر انجام دیتے ہیں. بالکل. ایک ہمارا ڈپلومیٹ. کیا آپ ہمیں, سوری ٹو انٹرپٹ, کیا ہمیں اپنا دفتر وزٹ کرا سکتے ہیں؟ اس سے پہلے کہ میں آپ کو وزٹ کرواؤں, میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ چار ہمارے حصے ہیں. ایک ہمارا ملٹری ایڈوائزرس کا ایک الگ سیکشن ہے جس میں پیس کیپنگ اور جو ہماری آرم فورسز کے جو بھی معاملات ہیں اقوام متحدہ میں, ان کو ملٹری ایڈوائزر دیکھتے ہیں. پھر ہمارے ٹریڈ اٹیشے ہیں, یعنی ٹریڈ اٹیشی تو ہمارے کونسلیٹ جنرل میں ہیں, تو وہ ان کا ہمارے ساتھ بائیلیٹرل اس پر ہم کرتے ہیں. ہمارے پاس اکاؤنٹ اٹیشے ہیں جو اکاؤنٹس کے گروپ سے آتے ہیں اور اکاؤنٹ کے معاملات طے کرتے ہیں. میں انفارمیشن ونگ سے ہوں اور میرے ونگ کا چھوٹا سا سیکشن ہے جس میں میں اور میرے دو اسٹاف ہیں, اس میں ہم لوگ میڈیا کے معاملات کو طے کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ ڈپلومیٹک ونگ ہے جس طرح میں نے بتایا کہ جو کونسلرز اور ایکسپرٹس ان کو کور کرتے ہیں, اس طرح سے ہے. تو آئیے آپ چلتے ہیں. یہ میرا آفس ہے, یہ انفارمیشن ونگ ہے, اس میں آتا ہے. اور آپ, جیسے کہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ بہت اولڈ بلڈنگ ہے, سراغا خان کی طرف سے ہمیں ملی تھی. یہ ہم چوتھے فلور پر ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ سائفر ہے جہاں سے, سائفر روم ہے جہاں سے ہمارے تار اور فیکسز جاتے ہیں. وہ دو ہمارے کونسلرز کے کمرے کے ہیں. رائٹ. ہم نیچے آتے ہیں. جو آپ کاؤنسلرز جو ہوتے ہیں, ان کا پرٹیکولرلی کام کیا ہوتا ہے آپ کے پورے نظام میں؟ کاؤنسلر کا جیسے میں نے بتایا کہ یہ ایکسپرٹس ہمیں, ہم ان کو ایکسپرٹ, سبجیکٹ ایکسپرٹس کہتے ہیں. آپ اس بلڈنگ کو دیکھیں, یہ بلڈنگ ماشاء اللہ سے ہم مینٹین کر رہے ہیں 1948 سے تقریباً, اور یہ بنی تو اس سے پہلے تھی. اور اسی طرح کا پاکستان ہاؤس ہے. سو آپ کہہ رہی ہیں کہ 1948 میں سراغا خان نے آپ کو یہ گورنمنٹ آف پاکستان کو یہ بلڈنگ 1948 میں دی؟ جی بالکل. اوکے. اور تب سے لے کر یہ گورنمنٹ آف پاکستان کی پراپرٹی ہے. ہمارے سفیر کا کمرہ, اور ہمارے نائب ملوک کا کمرہ. اور ہم نیچے جائیں گے, جو ہمارا مشترکہ, جس طرح ہم نے بتایا کہ یہ بلڈنگ ڈیوائڈیڈ ہے بٹوین کونسلیٹ اور پاکستان مشن. جی. تو یہ جو سیکنڈ فلور ہے, یہ ہم شیئر کرتے ہیں, اس اسپیس کو ہم شیئر کرتے ہیں. اوکے. پبلک اسپیسز کے لیے. یہ جو کمرہ آپ کو نظر آ رہا ہے, اس کو ہم بلو روم کہتے ہیں. اوکے. یہ بلو روم ہم اس وقت یوز کر رہے ہوتے ہیں جب ہمارے وزٹنگ, یعنی اگر فارن منسٹر اور پرائم منسٹر آ رہے ہیں, اوکے, ان کے لیے ہم یہ کمرہ رکھتے ہیں. Right. پھر ہم اس کو ایز اے میک شفٹ ارینجمنٹ کیا ہے. Okay. اس طرف ہمارا ڈائننگ ہے. تو آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ والا فلور جو ہے, یہ کونسلیٹ اور مشن دونوں شیئر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر آپ یہ دیکھیں, یہ ہمارا ڈائننگ ہے, یہاں اگر ہم ایگزیبیشنز کرنا چاہیں تو ہم یہاں بھی کرتے ہیں. پاکستان مشن اور کونسلیٹ جو ہے, وہ دونوں ہم ساتھ مل کے, کیونکہ ہم شیئرڈ بلڈنگ ہے اور شیئرڈ ہمارے آبجیکٹیوز ہیں. تو یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ہماری وینیو ہے جہاں ہم شیئرڈ فلیگ کو ہوسٹنگ کرتے ہیں, جس میں کونسلیٹ جنرل اور ہمارے دونوں شرکت کرتے ہیں. اور یہ اسپیس کو یوز کیا جاتا ہے دونوں کونسلیٹ کے لیے اور مشن کی ایکٹیویٹیز کے لیے. اگر ہم اس طرح سے آئیں, ادھر سے جو یہ دروازہ جا رہا ہے, دس اسٹارٹس دا کونسلیٹ جنرلز پریمسز. اوکے. یہ دروازہ اگر آپ اندر جائیں گے تو یہ کونسلیٹ کی طرف. اوکے. آپ کو میں فرسٹ فلور بھی دکھاؤں جہاں ہماری وزٹر بک ہے اور ہماری انٹرنس ہے. جب ہمارے وزٹرز آتے ہیں, ڈگنیٹریز آتے ہیں, تو ہم ان کو پہلے وہاں ریسیو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہاں سے ان کو وزٹر بک سے سگنیچر کروانا. اور آپ جب یونائٹڈ نیشنز میں جب کوئی ریزولیشن وغیرہ آپ کو موو کرنی ہوتی ہے, تو آپ کے مشن کا ہی ایسنشلی کام ہوتا ہے. بالکل. کہ اس کی تیاری کریں. اور یہ ہماری وزٹر بک ہے, اور ریسنٹ اگر آپ دیکھیں تو ایمبیسڈر آف کیوبا نے وزٹ کیا تھا.
तो आपकी जो रेजोल्यूशन के हवाले से जो वर्किंग होती है उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दीजिएगा, किस तरह आप लोग आप अंडर द फॉरेन मिनिस्ट्री काम करते हैं, आप उनकी गाइडलाइन में काम करते हैं? बिल्कुल, हम फॉरेन मिनिस्ट्री के साथ, फॉरेन मिनिस्ट्री में यूएन डिवीजन, एक पूरा का यूएन डिवीजन है जिसको हेड करते हैं एडिशनल सेक्रेटरी, और वो बाकी फॉरेन सेक्रेटरी, वहाँ से हम अपनी एडवाइस लेते हैं। ये हमारी जो मीटिंग रूम है, एवरी फ्राइडे 8:30 को एम्बेसडर के साथ सारे काउंसलर्स की मीटिंग होती है, सारे एडवाइजर्स की, और हम अपनी कार्रवाई उनको बताते हैं और वो हमें गाइड करते हैं कि फर्दर वीक, तो हम वीकली बेसिस पर हमारी ब्रीफिंग्स यहाँ। तो यूएन के मुस्तकिल मिशन का जो एम्बेसडर होता है उसकी कोई ड्यूरेशन होती है उसकी पोस्टिंग्स की? या ये उसी तरह से है जैसे सारे मिशन्स के सफीर होते हैं, इसी तरह से है। ये कॉन्ट्रेक्चुअल भी होती है और रेगुलर भी आपके फॉरेन ऑफिस के नुमाइंदे जो है और उनकी कोई ड्यूरेशन तय नहीं होती? ड्यूरेशन डिपेंड करता है, जो रेगुलर 3 ईयर्स की ड्यूरेशन होती है उसके बाद अगर कॉन्ट्रेक्चुअल है तो वो रिवाइज हो जाता है, और अगर पोस्टिंग है तो वो चेंज हो जाता है। कश्मीर पर हम मुश्तरका काफ़ी कौंसलेट के साथ और पाकिस्तान मिशन दोनों मुश्तरका करते हैं, फ्लैग होस्टिंग हम मुश्तरका करते हैं। इसी तरह से हम कोई क्लाइमेट चेंज, कोई ऐसी चीज़ है जो बायलैटरल और मल्टीलैटरल दोनों का मिक्स है, तो फिर हम वहाँ हम कम्युनिटी डायस्पोरा को भी इन्वॉल्व करते हैं, बट विद द गाइडेंस ऑफ कॉन्सुलेट। अदरवाइज अक़वामे मुत्तहिदा में जो नुमाइंदे हैं जो वहाँ के दूसरे मिशन्स हैं उनके साथ हमारी इंटरेक्शन्स होती है। तो ये थी जनाब मरियम शेख, और इन्होंने बताया कि ये जो इमारत है ये 1948 में सरागा खान ने जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को अतीत के तौर पर दी थी, तब से लेकर अब तक ये अब हुकूमत पाकिस्तान की प्रॉपर्टी है, और इसमें जो है एक बिल्डिंग के एक हिस्से में काउंसलेट काम करती है न्यूयॉर्क की, और दूसरे हिस्से में यूनाइटेड नेशंस का जो मुस्तकिल मिशन है पाकिस्तान का वो जो है काम करता है। मरियम, बस अब आखिर में ये बताइएगा कि किस तरह, क्या आपके प्रोटोकॉल्स या क्या प्रोसीजर्स होते हैं, किस तरह आप एक रेजोल्यूशन तैयार करते हैं, किसके अंडर सुपरविजन करते हैं, और ये पूरा प्रोसीजर होता क्या है, प्रोसेस क्या होता है, बताइएगा। पाकिस्तान की जो नुमाइंदगी है अक़वामे मुत्तहिदा में तीन तरीके से हम करते हैं। एक जोग्राफिकल में दो हैं, एशिया पैसिफिक ग्रुप और G77 का ग्रुप जो तरक्की पज़ीर ममालिक का ग्रुप है, इनके भी हम मेंबर हैं। तो G77 एज अ ग्रुप भी नुमाइंदगी करते हैं, और फिर इंडिविजुअल कंट्री पोजीशन भी हमारी होती है। तो ये तीन तरीके होते हैं, एशिया पैसिफिक ग्रुप, G77 और पाकिस्तान की अपनी। इन एडिशन OIC के भी हम मेंबर हैं, यानी इस्लामी ममालिक के ग्रुप्स का भी मेंबर हैं, तावन की तंजीम के भी, तो वहाँ से भी। तो चार हमारे इस तरह के फोरम्स हैं जहाँ से हम कोई भी करारदाद पेश कर सकते हैं। इंडिविजुअल कैपेसिटी में हम ने, जैसे मैंने आपको बताया कि हमने डिसइंफॉर्मेशन पर रेजोल्यूशन पाकिस्तान ने ख़ुद बनाई, उसमें हमारा तरीकाकार ये होता है कि जो एक्सपर्ट होता है, यानी ह्यूमन राइट्स का एक्सपर्ट है, उसने ड्राफ्ट करनी होती है, वो दीगर जो भी पुरानी करारदादें और जो हमारे पोजीशन कंट्री पोजीशन है उसकी बेस पर जो फॉर्मेट है करारदाद का, एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन जिसको ज़ीरो ड्राफ्ट कहा जाता है, वो प्रेजेंट करता है, ग्रुप्स के आगे रखता है। पहले ग्रुप में हम उनकी कंसेंसस लेते हैं, फिर दूसरे अपने ग्रुप्स में ले लेते हैं, यानी G77, OIC या जो हमारे एशिया पैसिफिक ग्रुप, वो फॉल पहले करते हैं कि फॉल कहाँ हो रहा है, वहाँ से हम कंसेंसस लेते हैं, फिर दूसरे ममालिक के पास वो लेके जाते हैं, और वो जब ममालिक उनसे मुत्तफिक होते हैं तो दो तरीक़ेकार होते हैं कि या तो वो उसको को स्पॉन्सर करें, यानी हमारी करारदाद हमने इनिशिएट की लेकिन स्पॉन्सर कुछ और कंट्री भी कहें कि हम आपके साथ को स्पॉन्सर करते हैं, जिससे उस करारदाद की हैसियत में इजाफा हो जाता है। ठीक है, 50-60-70 कंट्रीज अगर वो को स्पॉन्सर, इसी तरह बिल्कुल वो भी अगर कोई इनिशिएट करेंगे करारदाद, वो हमें पहले नोट वर्बाल भेजेंगे और बताएंगे कि हमारा मकसद ये ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, और अगर आप इसमें शामिल होना चाहते हैं तो हम जाएं। तो आप उसकी डिसीजन मेकिंग
एम्बेसडर करता है या उससे भी आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से गाइडलाइन ड्राइव करते हैं? अपने फॉरेन ऑफिस के साथ गाइडेंस करते हैं, उनके साथ शेयर करते हैं, लेकिन एक्सपर्ट और एम्बेसडर अपनी रिकमेंडेशन भी देते हैं कि इसको करना चाहिए, इसको नहीं करना चाहिए, किस तरह परसू करना चाहिए। और वो हमारे दो डिसीजन होते हैं कि या तो आप को स्पॉन्सर करें यानी आप फुली मुत्तफिक हैं, या फिर आप ऐसा करें कि आप को स्पॉन्सर ना करें लेकिन आप अगर वोट होता है तो हम उसकी वोट की फेवर करें या ना करें या एब्सटेन करें। तो ये जो डिसीजन मेकिंग है वो फिर हम गाइडेंस के साथ करते हैं। अगर आपने कंट्री पोजीशन के उस पर आपने लिया इसका भी यही तरीका कार है। अगर आपने G77 की कुछ करारदाद, जो ग्रुप की करारदाद होते हैं, ग्रुप की करारदाद में ये देखना चाहते हैं हम कि उस ग्रुप की नुमाइंदगी, उनके मसाइल की नुमाइंदगी इंक्लूडिंग पाकिस्तान की नुमाइंदगी हो। तो फिर जैसे हम आजकल इस साल प्रेसिडेंट हैं G77 के, पाकिस्तान इस वक्त G77 का प्रेसिडेंट है, उस प्रेसिडेंट और चेयर की हैसियत से माशाल्लाह से इजिप्ट में अगर आपने COP27 का देखा, हमारे एम्बेसडर ने इनिशिएट किया क्लाइमेट जस्टिस पर जो फंड था, हम लोगों ने प्रिपरेशन की, कैपिटल ने उसको गाइडेंस दी, क्लाइमेट मिनिस्ट्री के साथ हमने कोएलिशन की और उनको प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ तशरीफ लाए और वो हमारी रेजोल्यूशन अडॉप्ट। अच्छा, अभी रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान गए हुए थे फ्लड अफेक्टेड एरियाज को देखने। तो ये जो इस तरह की जो मूव्स होती हैं उसमें भी आपका मिशन इन्वॉल्व होता है, आप प्रिपेयर करते हैं, सारी चीज़ें बताते हैं, आगे इन्फॉर्म करते हैं कि जिस तरह का एक डिज़ास्टर है या इस तरह की एक एमरजेंसी क्रिएट हो गई है मुल्क में, तो यूनाइटेड नेशन से आप रिक्वेस्ट करते हैं फॉर्मली। जो परमानेंट मिशन है अक़वामे मुत्तहिदा का और हमारे सफ़ीर हैं, दे आर द ब्रिज बिटवीन यूनाइटेड नेशन एंड पाकिस्तान। तो जो भी एक्टिविटी होगी, फॉर एग्ज़ाम्पल इवन जो कश्मीर का इशू है जो सबसे बड़ा हमारे लिए इशू है, फॉरेन मिनिस्टर अगर उसका कोई ख़त लिखते हैं तो हमारे सफ़ीर वो सेक्रेटरी जनरल को पहुंचाते हैं और अपनी तरफ से भी जो करते हैं। तो हम ब्रिज हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का और यूनाइटेड नेशंस का। इसी तरह जैसे सेक्रेटरी जनरल का विजिट है तो ऑफ कोर्स उसकी जो कोऑर्डिनेशन है, मैकेनिज्म है, वो सारा हमारे मिशन में करते हैं। मरियम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में आपने ब्रीफली बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दे दी है हमारे व्यूअर के लिए और अब उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जब मुझे मौका मिलेगा कि यूनाइटेड नेशंस में जब आपको इस तरह की रेजोल्यूशन पास करें और मैं न्यूयॉर्क में हूँ तो आई विल ट्राई टू विटनेस माईसेल्फ। तो दोस्तों, ये था आज का ब्लॉग जिसमें मैंने आपको दिखाया कि जो पाकिस्तान का अक़वामे मुत्तहिदा के हवाले से मुस्तकिल मिशन है उसका ऑफिस कहाँ पर है, कैसे काम करता है। हमने बात की मरियम शेख से जो यहाँ पे मीडिया और प्रेस को देखती हैं। उन्होंने तफसीली तौर पे हमें बताया कि ये जो मिशन है ये किस तरह काम करता है। उन्होंने बताया कि ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और अक़वामे मुत्तहिदा के बीच में एक ब्रिज का रोल अदा करता है। तो आज के इस व्लॉग में बस इतना ही। उम्मीद है कि ये आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगेगी और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो जाते हुए रिक्वेस्ट के अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा और उसके अलावा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यानी पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, श्रीधरी रहते हैं और उसके अलावा